प्रिय छात्रों, कैसे आप सभी लोग। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ मैथ एनसीईआरटी, जिसकी एक्सरसाइज चल रहे हैं 4.3, जिसका कि पहला प्रश्न है, यदि अस्तित्व मूलों का अस्तित्व तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करो, जिसका कि हम पहला प्रश्न बता चुके थे। अब हम आ गए हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न दिया हुआ है 2x² + x - 4, क्या करेंगे। सबसे पहले इसका अस्तित्व चेक करेंगे, यानी लिखेंगे कि समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, तुलना करोगे तो a बराबर आएगा 2, या a बराबर 2, b बराबर तुलना करोगे 1, और c बराबर आएगा बेटा -4। आप सबसे पहले निकालेंगे विविध कर, d = b² - 4ac, तो b का मान हमारा है 1 माइनस 4 इंटू ए का मान है 2 इंटू सी का मान है -4। 1² का 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 × 8 = 32, 1 कितना आ गया 33, आ गया 33 मेरे पास। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि b² - 4ac का मान जो आया है वो 0 से आया है, बड़ा 0 से बड़ा आया है। फिर से वही चीज कि अतः मूल वास्तविक व भिन्न होंगे, अतः मूलों का अस्तित्व है, यथा इसका अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तब हम इसको लगाएंगे पूर्ण वर्ग विधि से, तो अब इसके आगे इसका अस्तित्व है, तो इसका जब अस्तित्व है तो हम लोग लगाएंगे पूर्ण वर्ग विधि से, टोटल स्क्वायर मेथड से करेंगे इसको। तो सबसे पहले समीकरण लिखेंगे 2x² + x - 4 = 0, यहाँ देख रहे हैं x² के गुणन 2 है, तो 2 से सभी को भाग करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 कैंसिल, x² + x/2 - 2 = 0। अब दूसरा काम ये करते हैं कि अगर 1/2 लिखा है तो इसको और 2 से भाग करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 को 2 से भाग करेंगे 1/4, इसी का वर्ग हमको जोड़ना और घटाना है। तो अभी जोड़ेंगे, इसमें देखें ये x² + 1/4 का वर्ग जोड़ दिया, a² + b², बीच में प्लस ये वाला चिन्ह देख के 2ab लिखेंगे, 2 × x × 1/4, और माइनस का 2 हमारे पास पहले से था और एक बार जोड़ा है तो एक बार इतना ही घटा देंगे, = 0। ये तो मेरे पास फार्मूला बन गया x + 1/4 = 2 − 1/4 = 16 = 0, x + 1/4 = 2। तो 16 × 32 और 1 = 33, माइनस के दोनों है तो −33/16 = 0। इसके बाद हम आ जाएंगे इस साइड में, यहाँ लगाएंगे इसको, देखेंगे तो x + 1/4 2 यू ही लिखा रहेगा, −33 लिखा है तो 33 को लिख लेंगे √33, 16 को लिख लेंगे 4² = 0। अब हमारे पास बन गया a² - b², तो लिखेंगे एक ब्रैकेट में a − √33/4 और एक ब्रैकेट में a + √33/4 = 0। अब हर समान है तो x + 1 − √33/4 एक ब्रैकेट में x+ हर समान है तो 1 + √33/4 = 0। यहाँ लिखेंगे कि यदि x + 1 − √33/4 = 0, तो x = +(-1, -1) तो +√33, नीचे 4 एक मूल्य आ गया। इफ यदि x + 1 √33/4 = 0, तो यहाँ पे x = +(-1, +√33/4). ये हमारे पास 2 आंसर आ गए हैं। ये कैसा लगा वीडियो आपको, अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अगर ये वीडियो समझने में कोई दिक्कत हो रही है आप इसको दोबारा से प्ले करिए और वीडियो को पॉज करके आप इसको जो है नोट कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।